शनिवार का दिन था। अंडमान निकोबार के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, कुछ लोग त्यौहार मनाने में व्यस्त थे, तो वहीं कुछ लोग मौसम का लुत्फ़ उठा रहे थे। वैसे तो अंडमान निकोबार में भूकंप के मामूली झटके आम बात है, लेकिन अति तीव्रता वाले भूकंप का अंदाज़ा किसी को नहीं था, मतलब किसी को भी नहीं था। Pictures from Indian television show the water overwhelming large areas of the coast. Hundreds of fishermen are among those reported missing. India's Prime Minister says everything possible will be done to help those affected. रविवार सुबह का समय था, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सभी बंद थे। कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ बाज़ार में सामान लेने में व्यस्त थे, कुछ मॉर्निंग वॉक में व्यस्त थे, कुछ अपने घरेलू कारों में व्यस्त थे। मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए हुए थे और कुछ लोग सूर्योदय का नज़ारा लेने समुद्र किनारे पहुंचे हुए थे। लगभग सुबह 6:30 का समय रहा होगा, तभी अचानक लोगों को ज़ोरदार भूकंप के झटके महसूस हुए। वो भूकंप इतना तीव्र था कि लोग अपने पैरों से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इमारतों में दरारें बन गई थीं, कुछ इमारतें तो ढह भी गई थीं। बिजली के खंभे, पेड़ जोर जोर से टूटने की कगार में हिल रहे थे। लोग डरे सहमे सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे। कुछ लोग खुले मैदान जैसी सुरक्षित जगह पर पहुँच भी गए। तब तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9.1 मैग्नीट्यूड मापी गई थी। भूकंप का केंद्र 30 किलोमीटर समुद्र की गहराई में भारत तथा बर्मा के बीच टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण के कारण टूटने से हुआ था, जिसे मेगाथ्रस्ट कहते हैं। भूकंप के झटके शांत हुए ही थे कि कुछ मिनट बाद लोगों को समुद्र में एक आश्चर्यचकित प्राकृतिक घटना देखने को मिली। अचानक से समुद्र की लहरें पीछे जाने लगीं। लोगों ने इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ लोग जिज्ञासावश समुद्र की ओर जाने लगे, ये जानने की कोशिश करने लगे कि ये क्या हो रहा है। इस भूकंप और समुद्र की लहरें पीछे जाने की घटना से लोग अभी भी उभर नहीं पाए थे। ठीक 15 से 20 मिनट के भीतर, यानी करीब सुबह 8 बजे, समुद्र में एक बड़ी लहर उठी। यह देखकर लोग ऊंचाई की ओर भागने लगे। 10 मिनट बाद दूसरी बड़ी लहर आई। अब लोगों को लगा कि उनकी जान पर बनाई है। फिर ठीक 10 मिनट बाद तीसरी सबसे बड़ी लहर आई, जिसने किसी पर रहम नहीं किया। अंडमान तथा निकोबार के वासी अभी तक इस तरह की घटना से अवगत नहीं थे कि इस आपदा को सुनामी कहते हैं। सुनामी की लहरों की ऊंचाई निकोबार व कैम्बलवे द्वीपों में 12 मीटर, लिटिल अंडमान में 10 मीटर, पोर्ट ब्लेयर, चिड़िया टापू, वंडूर के तटीय इलाकों में 4 से 7 मीटर की ऊंची लहरों ने इन इलाकों को तहस नहस कर दिया था।
इस सुनामी की चपेट में जीव जंतु पेड़ पौधे घर मकान जो भी आया वह बह गया। इस दौरान लोगों ने अपने परिजनों को अपनी आँखों के सामने सुनामी की लहरों में बहते हुए देखा। कुछ लोग सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों की ओर पलायन कर गए। कुछ लोग हफ्तों तक फंसे रहे और अपनी जान गंवा बैठे। जो कुछ हिम्मत वाले थे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जैसे तैसे जो बचे उनको जो कुछ मिला उसी को खाकर पहाड़ी इलाकों में बहुत कठिनाई से ज़िंदा रहने की जंग लड़ते रहे। पूरे अंडमान में इस दौरान हाहाकार मचा हुआ था। भूकंप और सुनामी के कारण जल संसाधन बिजली तथा संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। इतनी खराब परिस्थिति हो चुकी थी लोग बेबस थे यह जानने के लिए कि इस आपदा में उनका कोई भी हितेशी नाते रिश्तेदार जीवित है भी या नहीं। अंडमान प्रशासन जनता के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर थी। उस वक्त सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जो लोगों तक सूचना व संदेश पहुंचा सकता था। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 17 दिन तक लाइव फोन का कार्यक्रम चलाया गया जिसके द्वारा लोग ऑल इंडिया रेडियो को फ़ोन कर अपने हितेशियों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करते थे। इस त्रासदी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को करीब 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। तब भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने पीएम रिलीफ फंड से सुनामी में जिन व्यक्तियों ने जान गंवाई उनके परिवार को 1,00,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की थी। माई हार्ट गोज आउट इन सिंपथी टू ऑल दोज फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर डियर वंस। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए 821.88 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी। इसी बीच राहत के तौर पर भारतीय वायुसेना ने पीड़ितों तक खाने पीने की सामग्री जहाज से पहुंचाने का कार्य किया। सुनामी के 4 दिन बाद भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के बचाव दल पूर्ण रूप से आवश्यक सामग्री के साथ निकोबार कैम्बल बे और लिटिल अंडमान पहुंचकर वहां के पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का कार्य किया और इच्छित व्यक्तियों को AN-32 IL-76 वायुयान और INS घड़ियाल जलयान आदि द्वारा पोर्ट ब्लेयर लाया गया था। पोर्ट ब्लेयर के कई सरकारी स्कूलों को पुनर्वास केंद्र बनाया गया तथा अलग अलग द्वीपों से लाए गए पीड़ित व्यक्तियों को वहां ठहराया गया था व उनकी शारीरिक जांच कर कपड़े खाने पीने का सामान उनको मुहैया कराया गया तथा उनके मानसिक सदमे से उभारने में उनकी मदद की गई। चावल दिया था वो काले नारियल पानी ऐसा पी के ऐसे जिंदा था सर। नमक पानी से थोड़ा चावल और खाना बना के गंजी पिया था सर। फिर ऐसे फिर क्या करें, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर और थोड़ा दिन रहने से मर जाता सर, पानी भी नहीं मिलता, सारा खराब पानी सर। फिर लास्ट में नेवी वाला के बचा के फिर हम लोग यहाँ लिखाए सर। इस दौरान कई सरकारी संगठनों द्वारा इन लोगों को अलग अलग प्रकार से राहत दी गई और सुनामी प्रभावित द्वीपों में अस्थायी शरण स्थल बनाए गए थे। वहीं पर पीड़ित लोगों को राहत सामग्री बांटी जाती थी और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा भी मुहैया कराई जाती थी और सारे लोगों का विवरण लिया जाता था। बाद में सुनामी पीड़ित व्यक्तियों को स्थायी सुनामी आश्रय आवंटित किए गए थे। आप लोग सब आके हम लोगों का बहुत दिल बढ़ाए हैं और आप लोगों ने आके इतनी दूर से, जैसे हम लोग
पहले अनाथ महसूस करते थे, ऐसा लगता था कि हम लोग हिंदुस्तान से बहुत किसी कोने में हैं, लेकिन इतनी दूर से आप जब आए हम लोगों को देखने के लिए तो ऐसा महसूस लगता है कि हिंदुस्तान हमारे। आंकड़ों के अनुसार अंडमान निकोबार में इस भूकंप व सुनामी में करीब 1500 जाने गईं और 5600 लोग लापता हो गए, जिसमें 111 भारतीय वायुसेना के जवान परिवार सहित धार्मिक प्रचारक, सरकारी कर्मचारी और आम जनता शामिल हैं। इस सुनामी ने विश्व के 14 देशों को अपनी चपेट में लिया, जिसमें 2,30,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। 26 दिसंबर 2004 के दिन को विश्व के इतिहास में इस सुनामी आपदा को शीर्ष 3 में गिना जाता है। इतनी बड़ी भौगोलिक घटना के बाद भारत सरकार ने इंडियन ओशन में सुनामी वार्निंग सिस्टम लगाने का फैसला लिया, जिसे 2006 तक स्थापित करने के बाद भारत सरकार इन उपकरणों के विकासन पर कार्य करती रहती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस दिन को सुनामी दिवस उन व्यक्तियों की याद में मनाते हैं जिन्होंने इस भयानक आपदा में अपने प्राण गंवा दिए। उनकी याद में पोर्ट ब्लेयर के वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुनामी स्मारक पर हर वर्ष इस दिन उन मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।